हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू प्रज्ञा एकेडमी ऑनलाइन क्लासेज गंगापुर सिटी एंड आई एम डॉक्टर डीएल कुमार बायोलॉजी फैकल्टी। नाउ टुडे वी डिस्कस माइक्रोस्पोर टेट्रास। डियर स्टूडेंट्स, वी डिस्कस इन प्रीवियस वीडियो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड नाउ टुडे वी डिस्कस माइक्रोस्पोर टेट्रास। यूनिट्स अपन बात कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, और इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है टुडे टॉपिक माइक्रोस्पोर टेट्राड। माइक्रोस्पोर टेट्राड, देखिए माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में एक आर्किस्पोरियल सेल होती है, उसमें एक पेरिक्लिनल डिवीजन होता है जिससे एक प्राइमरी पेराइटल सेल बनती है और एक बनती है प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। प्राइमरी पेराइटल सेल से एंथर वॉल का फॉर्मेशन होता है और प्राइमरी जो स्पोरोजिनस सेल है उससे माइक्रोस्पोर मदर सेल बनती है। माइक्रोस्पोर मदर सेल के मियोसिस से माइक्रोस्पोर बनते हैं और इनिशियल स्टेज में ये चारों माइक्रोस्पोर आपस में केलोज बैंड द्वारा या केलोज लेयर द्वारा आपस में अटैच रहते हैं, इसे ही हम माइक्रोस्पोर टेट्राड कहते हैं। ठीक है, तो देखिए अपन बात करें एट द इनिशियल स्टेज ऑल फोर माइक्रोस्पोर आर अटैच्ड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ केलोज लेयर्स या केलोज बैंड। दिस ग्रुप ऑफ माइक्रोस्पोर इज कॉल्ड पोलन टेट्रास, और इस ग्रुप को पोलन टेट्रास कहते हैं। ठीक है, आफ्टर सम टाइम दिस केलोज लेयर इज डिजॉल्व्ड बाय केलेज एंजाइम विच इज सीक्रेटेड ग्लैंडुलर टैपिटम के द्वारा केलेज एंजाइम का सिक्रेशन होता है और उसके द्वारा इन केलोज बैंड को डिसॉल्व कर दिया जाता है। तो इनिशियल स्टेज में फोर जो माइक्रोस्पोर है वो आपस में केलोज बैंड द्वारा अटैच रहते हैं और इस ग्रुप को हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड या पोलन टेट्रास के नाम से जानते हैं। आफ्टर सम टाइम जो अपने टैपिटम है, देखिए एंथर वॉल में चार लेयर होती है। सबसे बाहर एपिडर्मिस होती है, उसके बाद एंडोथीसियम होती है, फिर मिडिल लेयर होती है और लास्ट में टैपिटम होती है। टैपिटम इज इंटरनल लेयर होती है और टू टाइप्स की टैपिटम्स प्लांट्स में प्रेजेंट होती है, फर्स्ट एमेबॉइड टैपिटम एंड सेकेंड इज ग्रेनुलर टैपिटम, या अपन इसे सीक्रेट टैपिटम भी कहते हैं, सेक्रेटरी टैपिटम भी कहते हैं, या ग्रेनुलर टैपिटम। ग्रेनुलर टैपिटम के द्वारा केलेज एंजाइम का सिक्रेशन किया जाता है और ये केलेज एंजाइम जो है ये केलोज जो बैंड है उन्हें डिसॉल्व कर देता है, जिससे जो पोलन ग्रेन है या माइक्रोस्पोर जो आपस में टेट्राड के रूप में अटैच थे उनमें वो सेपरेट अलग अलग हो जाते हैं। हम आज के इस वीडियो में जो माइक्रोस्पोर टेट्राड है उनके क्या क्या अरेंजमेंट हो सकते हैं, उनके कौन कौन से प्रकार के टाइप्स हो सकते हैं, उन्हीं का हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए अपन बात करें फॉर्मेशन ऑफ टेट्रास एंड रिलीज ऑफ इंडिविजुअल माइक्रोस्पोर इन फ्लावरिंग प्लांट्स वेयर फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय नागेले इन 1842। तो माइक्रोस्पोर टेट्राड्स के बारे में, और माइक्रोस्पोर जो कि सेपरेट हो गए हैं या पोलन ग्रेन जो है उनके बारे में जो सबसे पहले जो फर्स्ट डिस्क्राइब किया था वो नागेली ने इन्हें डिस्क्राइब किया था इन 1842 में। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें टाइप्स ऑफ टेट्रास। टेट्रास के कौन कौन से टाइप्स हैं इन प्लांट्स में, तो प्लांट्स में टेट्रास के मेनली फाइव टाइप्स प्रेजेंट है, जिसमें अपन बात करें टेट्रा
हाइड्रल, आइसोबाइलेटरल, डेक्यूसेट, टी सेप एंड लीनियर, इन पांच प्रकार के टेट्रास की अपन यहां पर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखें टेट्राहाइड्रल। टेट्राहाइड्रल जो है इसमें जो माइक्रोस्पोर जो है वो टेट्राहाइड्रल जो फॉर्म होगी उसके रूप में अरेंज्ड रहते हैं। तो माइक्रोस्पोर आर अरेंज्ड टेट्राहाइड्रल फॉर्म। और इस प्रकार के जो माइक्रोस्पोर का जो फॉर्मेशन है, देखिए अपन ने माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की अपन ने प्रीवियस वीडियो में बात की थी। वहां टू टाइप से माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होती है। फर्स्ट टाइप जो होता है सक्सेसिव टाइप होता है, और सेकंड जो है साइमुलेटेनियस जो है टाइप से माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। तो जो अपन बात करें यहां पर जो टेट्राहाइड्रल जो फॉर्म जो बनती है वो साइमुलेटेनियस जो डिवीजन होता है, उस साइमुलेटेनियस जो डिवीजन है उसी से टेट्राहाइड्रल जो माइक्रोस्पोर का जो अरेंजमेंट है वो फॉर्मेट होते हैं। इस प्रकार के जो माइक्रोस्पोर जो है जो टेट्राहाइड्रल फॉर्म में रहते हैं वो डाइकोटिलेडोन्स प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। यानी डाइकोट्स में जो माइक्रोस्पोर जो टेट्राड होगा वो कैसा होगा बेटा, टेट्राहाइड्रल प्रकार का होगा, जिसमें तीन माइक्रोस्पोर एकदम सामने होंगे और एक माइक्रोस्पोर इसके पीछे होंगे। तो देखिए 1 2 3 थ्री माइक्रोस्पोर जो स्पोर है वो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं और इसके पीछे एक माइक्रोस्पोर है, जो लास्ट वाला जो माइक्रोस्पोर है वो इसके पीछे है। तो इस तरीके से ये टेट्राहाइड्रल कंडीशन बनाते हैं। देखिए आपने कार्बन की स्ट्रक्चर भी अपन ने देखी होगी, और कार्बन की स्ट्रक्चर भी एक ऐसी है टेट्राहाइड्रल जो है फॉर्म के रूप में होते हैं, तो ये भी टेट्राहाइड्रल फॉर्म के रूप में होंगे। तो तीन इस तरीके से सामने और एक इसके पीछे, और कैसी स्ट्रक्चर बनाएंगे, दिए टेट्राहाइड्रल पोजिशन बनाएंगे इसमें, ठीक है। तो ये है भी टेट्राहाइड्रल पोजिशन जिसमें तीन माइक्रोस्पोर जो है सामने होते हैं और एक इसके पीछे होते हैं। सेकंड अपन बात करें आइसो बायलेटरल जो है टेट्राड की अपन बात करें, तो देखिए माइक्रोस्पोर आर अरेंज इन लेटरल साइड। माइक्रोस्पोर जो होंगे वो लेटरल साइड में होंगे, जिसमें टू माइक्रोस्पोर जो है राइट हैंड की तरफ और टू माइक्रोस्पोर जो है लेफ्ट हैंड की तरफ होंगे। तो देखिए ये जो टू माइक्रोस्पोर है ये राइट हैंड की तरफ हो गए और ये टू माइक्रोस्पोर जो है वो लेफ्ट हैंड की तरफ हो गए। तो इस तरीके से लेटरल साइड में उपस्थित होते हैं। तो माइक्रोस्पोर आर अरेंज इन लेटरल साइड। और इस प्रकार के जो माइक्रोस्पोर का जो फॉर्मेशन होता है वो सक्सेसिव जो डिवीजन होता है उसके माध्यम से इस प्रकार के माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है या टेट्राड बनता है। इस तरीके की जो कंडीशन देखने को मिलती है वो मोनोकोटेलिडन्स जो प्लांट्स होते हैं उनमें देखने को मिलती है। तो देखिए डाइकोटेलिडन्स में कौन सी टेट्राहाइड्रल कंडीशन देखने को मिलेगी, जिसमें जैसे अपन कहें कि लेग्यूमिनेसी फैमिली के या मस्टर्ड प्लांट है या लेमन है, इन सब में टेट्राहाइड्रल कंडीशन रहेगी। और जो आइस जो अपने जैसे वीट है, राइस है, इनमें जो अपने कंडीशन या मेज इनमें कंडीशन रहेगी आइसो बाई लेटर, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें डेक्यूसेट की, अपन बात करें डेक्यूसेट टाइप जो है माइक्रोस्पोर आर अरेंज्ड राइट एंगल। जो ईच माइक्रोस्पोर है वो एक दूसरे के एंड देन अनोदर राइट एंगल पे 90 डिग्री के जो एंगल है उस पर अरेंज रहते हैं। तो देखिए बेटा ये दो माइक्रोस्पोर तो सामने हैं और एक दो जो है इनके 90 डिग्री के एंगल पर अरेंज है। देखिए इसकी अगर मैं अरेंजमेंट करूं तो इसके ये लेटरल में हो गया या 90 एंगल पे हो गया, और इसके ये सामने हो गया और एक इसके पीछे होगा। तो जो दो माइक्रोस्पोर जो है वो सामने ये इसके 90 एंगल पर, और एक जो माइक्रोस्पोर होगा वो इसके पीछे 90 एंगल पर प्रेजेंट होंगे। तो राइट एंगल पर ये प्रेजेंट होंगे। देखिए मान लीजिए जैसे ये है दो माइक्रोस्पोर ये हो गए, उसके बाद में तीसरा जो माइक्रोस्पोर है इन दोनों के 90 एंगल पे हो गया 90 एंगल पे। जो चौथा जो माइक्रोस्पोर होगा, मैं बात करूं आपसे, तो चौथा जो माइक्रोस्पोर होगा इसके एंगल पर इस तरीके से 90 एंगल पर।
तो ये व्यवस्था होगी दो इस तरीके से है, ये दो हो गए, एक इसके दोनों के 90 एंगल पे हो गया और एक इसके 90। तो ये पीछे वाला जो माइक्रोस्कोर है वो अपने को दिखाई नहीं दे रहा है। इस तरीके के कंडीशन को अपन डेक्यूसेट कंडीशन कहते हैं और ये क्रॉस रूप में होते हैं, जैसे अपन क्रॉस लगाते हैं इस तरीके से होते हैं उनमें, इसे अपन क्रोसिट टाइप भी बोलते हैं। तो डेक्यूसेट या क्रॉस टाइप का ये टेट्रार्स है जिसमें माइक्रोस्कोर राइट एंगल पर अरेंज रहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में अपन बात करें इसमें तो मैग्नोलिया प्लांट्स में और क्रोकस प्लांट में इस तरीके का डेक्यूसेट प्रकार का टेट्रार्स प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट अपन बात करें टी सेप, जो है टी के सेप में जब चारों माइक्रोस्पोर जो है अरेंज्ड होकर एक टी सेप रचना बनाया तो उसे अपन कहेंगे टी सेप। तो देखिए बेटा, टू माइक्रोस्पोर जो होंगे लॉन्गिट्यूशनल स्थिति में होंगे और टू माइक्रोस्पोर जो होंगे वो ट्रांसवर्जन होंगे। तो देखिए, दो माइक्रोस्पोर कैसे होंगे बेटा, इस तरीके से होंगे। तो ये दो माइक्रोस्पोर कैसी कंडीशन में होंगे, लॉन्गिट्यूशनल कंडीशन में होंगे। जैसे ये फर्स्ट माइक्रोस्पोर, ये सेकंड है, तो ये कैसी कंडीशन में होंगे, लॉन्गिट्यूशनल स्थिति में। और जो टू माइक्रोस्पोर स्पोर होंगे वो कैसे है, वो ट्रांसवर्जन के रूप में है, इस तरीके से खड़े रूप में है। तो ये अनुप्रस्थ रूप में है और ये उदर रूप में, सॉरी टू माइक्रोस्पोर जो है ये तो उदर रूप में लॉन्गिट्यूशनल हो गया और ये ट्रांसवर्ज। तो दो ट्रांसवर्ज रूप में और दो लॉन्गिट्यूशनल रूप में होंगे और इस तरीके का जो माइक्रो स्पोर अरेंजमेंट है वो एरिस्टोलोकिया में इस तरीके का अरेंजमेंट पाया जाता है। तो एरिस्टोलोकिया में इस प्रकार का यह टी सेप अरेंजमेंट रहेगा। तो देखिए बेटा, इसकी आकृति कैसी हो रही है, टी सेप बन रही है। तो जो चार माइक्रोस्पोर है या जो फोर माइक्रोस्पोर है वो आपस में इस प्रकार अरेंज रहते हैं कि उनसे एक टी सेप रचना बन जाती है, जिसमें टू जो माइक्रोस्पोर है वो ट्रांसवर्ज रूप में होंगे, तो ट्रांसवर्जन के रूप में है ये दो ऊपर वाले माइक्रोस्पोर, और जो नीचे वाले हैं वो लॉन्गिट्यूशनल रूप में है दो माइक्रोस्पोर, और वो आपस में अरेंज होकर एक टी सेप स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्लियर, एग्जांपल है एरिस्टोलोकिया या एरिस्टोलोकिया। नेक्स्ट अपन बात करें लीनियर टाइप, जो कि लास्ट टाइप है माइक्रोस्पोर टेट्राड का। तो लीनियर टाइप की अपन बात करें तो देखिए बेटा, माइक्रोस्पोर आर अरेंज इन लीनियर ऑर्डर, एक लीनियर एक रेखा के रूप में अरेंज रहते हैं चारों माइक्रोस्पोर। तो देखिए 1, 2, 3, 4 चारों के चारों जो माइक्रोस्पोर है एक लीनियर ऑर्डर में प्रेजेंट है। इस तरीके की जो व्यवस्था होगी इसे अपन लीनियर टेट्राड कहेंगे। और इस प्रकार के जो टेट्राड्स है वो हेलोफाइला प्लांट्स होते हैं उनमें प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए बेटा, अपन ने पांच प्रकार के माइक्रोस्पोर टेट्राड देखे, जिसमें टेट्राहाइड्रल जो डाइकोटिलेडन्स प्लांट्स में उपस्थित होते हैं, आइसोबाइलेटरल प्लांट्स जो कि मोनोकोटिलेडन्स प्लांट्स में उपस्थित होते हैं, डेक्यूसेट जो टेट्रार्स है वो मैग्नोलिया और क्रोकस प्लांट में अरेंजमेंट में होते हैं। टी सेप की अगर मैं बात करता हूं, टी सेप जो टेट्रार है वो एरिस्टोलोकिया में अरेंज प्रेजेंट होते हैं। और लीनियर टाइप का जो टेट्रार की अगर मैं बात करूं तो ये हेलोफाइला प्लांट्स में अरेंज रहते हैं। जो टेट्राहाइड्रल टाइप है इसमें जो माइक्रोस्पोर है वो टेट्राहाइड्रल फॉर्म बनाएंगे, आइसोबाइलेटरल में टू राइट में और टू लेफ्ट में होंगे, डेक्यूसेट में ईच माइक्रोस्पोर आर अरेंज्ड अदर माइक्रोस्पोर इन राइट एंगल पर अरेंज रहेंगे। एंटी सेप में जो टू माइक्रोस्पोर है वो लॉन्गिट्यूशनल होंगे और टू ट्रांसवर्ज रूप में रहेंगे और टी सेप बनाएंगे। और जो लीनियर फॉर्म होगी उसमें चारों जो माइक्रोस्पोर है वो एक लीनियर ऑर्डर में अरेंज रहेंगे। ठीक है, तो ये थे भी 5 टाइप के माइक्रोस्पोर टेट्रार्स। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें, देखिए बेटा एक नोटेड रूप में है, ऑल द अबव टाइप्स ऑफ टेट्रार्स फाउंड इन एरिस्टोलोकिया एलिगेंस, यानी जो एलिगेंस एरिस्टोलोकिया एलिगेंस जो प्लांट है उसमें ये पांचों प्रकार के जो माइक्रोस्पोर टेट्रार्स है वो प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो पांचों प्रकार के
जो टाइप अपन ने पांच प्रकार के जो माइक्रोस्पोर टेट्राड देखे हैं, ये फाइव टाइप की जो माइक्रोस्पोर टेट्राड है वो एरिस्टोलोकिया एलिगेंस में प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें अदर टाइप्स ऑफ माइक्रोस्पोर अरेंज्ड। इनके अलावा कुछ माइक्रोस्पोर अरेंज के कुछ अदर प्रकार भी है, अदर टाइप भी है, वो अपन यहां बात करेंगे, परंतु उसमें वो टेट्रार्स के रूप में नहीं होंगे, इनसे भिन्न है। यानी उसमें या तो फोर से अधिक माइक्रोस्पोर उनमें प्रेजेंट होंगे, वो टेट्रार के रूप में नहीं हो। तो देखिए बेटा, अपन सबसे पहले बात करें पॉलीस्पोरी, जो अदर टाइप है माइक्रोस्पोर अरेंज्ड के वो उसमें कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट टाइप है पॉलीस्पोरी। देखो नाम से पता लग रहा, पॉली मींस बहुत सारे, स्पोरी मींस स्पोर, यानी जिसमें बहुत सारे क्या है, माइक्रोस्पोर है। तो देखिए इफ मोर देन फोर माइक्रोस्पोर, यदि चार से अधिक माइक्रोस्पोर हो, आर फाउंड इन टेट्राड, एग्जाम्पल कस्कुटा। देखिए बेटा, जब फोर से अधिक माइक्रो स्पोर एक साथ टेट्राड में प्रेजेंट हो, यानी चार नहीं है, चार से अधिक माइक्रो स्पोर एक साथ अरेंज हो, तो उसे अपन क्या कहेंगे, पॉलीस्पोरी कंडीशन। और कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, तो देखिए अपन इसकी अगर बात करूंगे पॉलीस्पोर स्पर्मी की, तो देखिए जैसे मान लीजिए ये है और इसमें बहुत सारे जब माइक्रोस्पोर एक साथ अरेंज है, तो देखिए इस कंडीशन को अपन क्या कहेंगे बेटा, यहां पर कितने माइक्रोस्पोर है, 1 2 3 4 5 6, सिक्स माइक्रोस्पोर इसमें अरेंज है, तो ये कौन सी कंडीशन हो गई, पॉलीस्पोरी कंडीशन हो गई। और ये इसमें कस्कुटा में इस तरीके की कंडीशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट अपन बात करें कंपाउंड पोलन्स। कंपाउंड पोलन्स ये भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, कंपाउंड पोलन्स। देखिए इन सम प्लांट्स फोर पोलन्स ऑफ ए टेट्रार्स ज्वाइंट टूगेदर परमानेंटली इज कॉल्ड कंपाउंड पोलन्स। देखिए बेटा कंपाउंड पोलन्स क्या पोजीशन है इसकी, मैं अगर आपको बात करूं कि कंपाउंड पोलन्स में क्या होता है, तो देखिए कंपाउंड पोलन्स की जब पोजीशन रहेगी या कंपाउंड पोलन्स की अपन बात करें, तो देखिए इसमें बहुत सारे टेट्रार्स होते हैं और वो आपस में परमानेंटली अटैच हो जाते हैं, परमानेंटली ज्वाइंट हो जाते हैं। तो देखिए मैं बात करूं कि एक जैसे मान लीजिए ये टेट्राड है, एक टेट्राड ये है, दूसरा टेट्राड ये है, और ये परमानेंटली क्या हो रहे हैं, ज्वाइंट हो रहे हैं, अटैच हो रहे हैं। फिर अपन बात करें कि एक टेट्राड ये है, इस तरीके से बहुत सारे जो टेट्राड है वो आपस में परमानेंटली ज्वाइंट हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। इस कंडीशन को अपन क्या कहेंगे बेटा, इसे अपन कंपाउंड पोलन्स के रूप में आइडेंटिफाई करेंगे। तो देखिए इसमें कितने टेट्रार्स आपस में अटैच है, फोर टेट्रार्स आपस में अटैच है, और प्रत्येक टेट्रार में फोर माइक्रोस्पोर प्रेजेंट है, प्रत्येक टेट्रार में फोर माइक्रोस्पोर अटैच है। ठीक है, जो है तो इस तरीके की कंडीशन को अपन क्या कहेंगे, कंपाउंड पोलन्स। क्लियर, इस तरीके की स्थिति टाइफा में देखने को मिलती है। तो टाइफा में बहुत सारे क्या बनते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड बनते हैं, और वो सारे माइक्रोस्पोर जो टेट्राड है वो आपस में परमानेंटली ज्वाइंट या अटैच्ड हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन टाइप बात करें तो वह है मैस्कुले। देखिए या मैस्कुले कंडीशन अपन बात करें, या मैस्कुले देखिए इसमें सिक्स से सिक्सटी फोर कंपाउंड पोलन ग्रेन स्टिकली टुगेदर टू फॉर्म ए स्मॉल यूनिट या स्मॉल मास के रूप में अटैच्ड रहते हैं। तो देखिए बेटा इस कंडीशन में क्या होंगे, जो माइक्रोस्पोर जो है उसमें 6 से 64 तक जो माइक्रोस्पोर है वो आपस में स्टिकली और मास के रूप में, जैसे अंगूरों का गुच्छा ग्रेप्स या का जो गुच्छा होता है उसके रूप में अटैच रहते हैं। इस तरीके की कंडीशन को अपन क्या कहेंगे, मैं मास्कुले कंडीशन कहेंगे। तो देखिए इस प्रकार के अपन स्ट्रक्चर की अगर बात करें, तो देखिए इसमें किस तरीके से,
तो जैसे जैसे एक कोलन ग्रेन ये है, दूसरा ये, तीसरा, चौथा, पांचवा, सिक्स, सेवन, एट, ऐसे बहुत सारे कोलन ग्रेन जो है आपस में स्टिकली और मास के रूप में अरेंज रहते हैं और एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, स्मॉल यूनिट के रूप में अरेंज रहेंगे। इस कंडीशन को अपन क्या कहेंगे, तो ये पोलन ग्रेन है जो एक साथ एक ग्रुप में 6 से लेकर 64 तक पोलन ग्रेन जो है वो आपस में अटैच रहते हैं और एक स्मॉल मॉस का निर्माण या स्मॉल यूनिट का निर्माण फॉर्मेट कर लेते हैं। माइमोसा में और नियोटेला में, माइमोसा और नियोटेला में इस तरीके की स्थिति देखने को मिलती है। ये कंडीशन भी जो माइमोसा पुड़िका है उसमें या जो नियोटेला जो प्लांट है उनमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसमें क्या होंगे बेटा, बहुत सारे पोलन ग्रेन अटैच होकर एक अंगूरों के गुच्छे के समान रचना बना लेते हैं या एक छोटा मास यूनिट बना लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें बेटा वो है ट्रांसलेटर एपरेटस या पोलेनियम, ट्रांसलेटर एपरेटस या पोलेनियम। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कई बार एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में, नीट में भी यहां से क्वेश्चन पुटअप होता है। तो देखिए अपन बात करें ट्रांसलेटर एपरेटस या पोलेनियम, द पोलन ग्रेन जॉइंटेड टुगेदर टू फॉर्म ऑफ बैग लाइक स्ट्रक्चर, इट इज कॉल्ड पोलेनियम। देखिए बेटा बहुत सारे पोलन ग्रेन जो है जॉइंटेड होकर एक बैग लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, एक इस तरीके की स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो बहुत सारे जो पोलन ग्रेन है वो आपस में अटैच्ड होकर एक बैग लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं और उस बैग लाइक स्ट्रक्चर को अपन पोलेनियम कहते हैं, इट इज कॉल्ड पोलेनियम। तो बहुत सारे पोलन ग्रेन, सारे के सारे पोलन ग्रेन अटैच होकर क्या बना लिए, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर बना लिए और इट इज कॉल्ड पोलेनियम। ठीक है, देखिए द नंबर ऑफ पोलेनियम पर एंथर में वेरी बिटवीन 2 और 8 और प्रत्येक एंथर में ऐसी बहुत सारी पोलेनिया प्रेजेंट हो सकती है, 2 से लेकर 8 तक पोलेनियम प्रेजेंट हो सकती है। एग्जाम्पल अपन बात करें तो कैलोट्रोपिस और ऑर्किड में इस तरीके की कंडीशन देखने को मिलती है। तो कैलोट्रोपिस में और ऑर्किड में इन प्लांटों में पोलेनियम पाई जाती है जिसमें बहुत सारे पोलन ग्रेन जो है आपस में ज्वाइंट होकर एक बैग लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं और इस बैग लाइक स्ट्रक्चर को अपन पोलेनियम कहते हैं, जो कि इंसेक्ट द्वारा या जितने भी जो पोलिनेटर होते हैं उनके द्वारा इजी वे से इसे क्या कर सकते हैं अपन ट्रांसफर किया जा सकता है। इसी कारण से अपन ट्रांसलेटर एपरेटस के रूप में भी जानते हैं। तो पोलन ग्रेन को ट्रांसफर करने वाले एक एपरेटस हो गया, इसलिए इसे ट्रांसलेटर एपरेटस के रूप में आइडेंटिफाई करते हैं अपन। देखिए बेटा इट इज ट्रांसफर्ड टू स्टिग्मा बाय इंसेक्ट, इनको इजी वे से जो इंसेक्ट होते हैं वो इंसेक्ट इसे इजी वे से स्टिग्मा पर ट्रांसफर्ड कर सकते हैं। तो जो पोलिनेशन की जो क्रिया है वो इजी हो जाती है किस एपरेटस के द्वारा, ट्रांसलेटर एपरेटस या पोलेनियम के माध्यम से। देखिए अपन बात करें पोलेनियम में एक डिस्क होती है ऊपर जो कि एक ब्लैक डॉट के रूप में प्रेजेंट होती है और कैविकल होते हैं जिससे ये आपस में जुड़े रहते हैं और ये होते हैं ट्रांसलेटर जिनमें अनेक पोलन ग्रेन भरे हुए हैं। तो ये जो दोनों जो अपने को बबल्स के रूप में दिखाई दे रहे हैं या गुब्बारों के रूप में दिखाई दे रहे हैं या अपने ह्यूमन के लंग्स के समान दिखाई दे रहे हैं, इन्हें ट्रांसलेटर कहते हैं और इनमें बहुत सारे पोलन जो ग्रेन है वो प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए अगर अपन इसको देखना चाहते हैं ट्रांसलेटर एपरेटस को, तो अपने जो कैलोट्रोपिस है जिसे अपन आंकड़ा कहते हैं या आग कहते हैं जिसमें व्हाइट कलर का लेटेक्स निकलता है, उनके फ्लावर जिनके अपन शिव भोले भंडारी नीले कंठों वाले शिव शंकर के चढ़ाते हैं, किसके, आग के फ्लावर या कैलोट्रोपिस के फ्लावर, उनके ऊपर आप जब देखेंगे तो देखिए इसके फ्लावर की मैं बात करूं तो उसके बीच में इस तरीके से घूंडी होती है,
इस तरीके के बीच में गुंडी होती है और यहां पर पेटल्स लगे होते हैं, ऐसे ये पेटल्स होंगे, ये पेटल्स होंगे, ये इसमें इस तरीके से पेटल्स हैं इसमें, और यहां बीच में एक गुंडी, यहां पर आपको एक काली डॉट दिखाई देगी, ये इस तरीके से काली डॉट दिखाई देगी, तो पेटल्स और ऊपर एक गुंडी होगी, नीचे एक गुंडी, ऊपर थोड़ी ऊपर उठी होगी और यहां पर काले डॉट दिखाई देगी। तो अपने को इसको किस तरीके से निकालना है और कैसे देख सकते हैं अपन, तो आप फ्लावर लें और अपना एक मार्जिनल लेंस लें और एक ऑलपिन लें, ठीक है, और स्लाइड लें, तो स्लाइड लेनी अपने को, ऑलपिन लेनी अपने को और मार्जिनल ग्लास लेना है, जो अपन लेंस लेना है छोटा, जिससे अपन जैसे जो पंडित होते हैं उनके पास हस्तरेखाओं को देखने के लिए होते हैं, उस तरीके का एक मार्जिनल लेंस लेना है। अपने को सीधे इस जो नोब दिख रही है इस नोब के नीचे ऑलपिन को ऐसे धीरे धीरे करके डालना है नीचे से और फिर धीरे धीरे खींचना है। तो इसी तरीके से इंसेक्ट में जो सुंडी होती है वो सुंडी इस तरीके से घुसाता है और इसको अपने आप जब वो निकलेगा यहां से उड़ेगा तो ये जो ट्रांसलेटर एपरेटस है वो निकल जाता है, और जब यही इंसेक्ट किसी दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा पर, यहां ये स्टिग्मा है, यहां पहुंचता है तो इसको जो अपने पोलिनियम है इसको यहां पर छोड़ देता है और पोलिनेशन की जो मैकेनिज्म है वो कंप्लीट हो जाती है। तो अपने को भी यहां पर से ऑलपिन को इसके नीचे से घुसाना है और धीरे धीरे उठाना है, उठाकर आप देखोगे जैसे अपन लाइट के सामने से अपन ने उठा लिया ये काली नोब आ गई, तो आपको एक ये तो डिस्क दिखाई देगी और यहां पर छोटी सी एक इस तरीके की रचना आपको दिखाई देगी, तो यहां पर इस तरीके की रचना उपस्थित होती है इन सब जगह पर, ठीक है। जैसे आप इसको थोड़ा सा खींचेंगे तो एज जैसे ये निकल जाएगी, ये निकलने के बाद इसको कहां अपनी स्लाइड पर रख दीजिए आप, तो अपनी स्लाइड पर रख दें, ठीक है, और स्लाइड पे रखने के बाद जैसे आपने ये स्लाइड पे रख दिया और फिर मार्जिनल लेंस से देखा, तो आपको इजी वे से, आपको खुली नेत्रों से भी मार्जिनल लेंस की भी चाहे रिक्वायरमेंट नहीं हो परंतु उसे इजी वे से अपन इसको आसानी से देख सकते हैं, और इसके माध्यम से जो है जो जो है केलोट्रोपिस है और ऑर्किड्स जो फैमिली है उनमें पोलिनेशन की क्रिया जो होती है वो पोलिनियम के माध्यम से ही होती है। तो ये था बेटा आज का अपना टॉपिक जिसमें हम माइक्रो स्पोर टेट्रार्स की बात की, जिसमें पांच प्रकार के माइक्रो स्पोर टेट्रार है, जिसमें अपन ने टेट्राहाइड्रल, आइसोबाइलेट्रल, डेक्यूसेट, टी सेप और लीनियर की बात की अपन ने। इसके अलावा माइक्रो जो स्पोर है उनके अरेंजमेंट के अदर मेथड भी है जिसमें चार से अधिक क्या होते हैं माइक्रो स्पोर प्रेजेंट होते हैं, और वो कौन कौन से हैं, तो वो है पोली स्पोरी जिसमें बहुत सारे यानी चार से अधिक माइक्रो स्पोर होंगे और एक साथ अरेंज होंगे, तो वो है कस्कुटा में अरेंज होते हैं। इसी प्रकार कंपाउंड पोलन्स, इसमें जो है बहुत सारे जो टेट्रार्स है वो आपस में अटैच्ड रहते हैं। मैस्कुलर जो अपन ने देखा तो इसमें जो है 6 से 64 तक जो पोलन ग्रेन है वो एक साथ जो ग्रेप का जो गुच्छा है उसकी तरह अटैच होकर एक स्मॉल मास यूनिट बना लेते हैं, और इस तरीके का माइमोसा में देखने को मिलता है। और जो ट्रांसलेटर एपरेटस है इसमें बहुत सारे पोलन ग्रेन अरेंज होकर एक बेल लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं और उसमें जो पोलन ग्रेन है उसमें भरे रहते हैं, इसे अपन पोलिनियम या ट्रांसलेटर एपरेटस बोलते हैं। और इस तरीके की जो कंडीशन है वो कैलोट्रोपिस और ऑर्किड्स में ट्रांसलेटर एपरेटस प्रेजेंट होता है, जो पोलिनेशन की जो क्रिया होगी उसमें इजी हो जाती है, और इंसेक्ट जो है इस पोलिनियम को एक स्थान एक वन फ्लावर टू ट्रांसफर अदर फ्लावर, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर ट्रांसफर कर देता है इजी से। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।